कि ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक विदाई का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ए भैया, जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना भैया। देखिए, हम और आप किराए पे मकान पे रहते हैं प्यारे, तो उन्हें छोड़ना पड़ता है घर को। वैसे ही ये आत्मा है ना, ये शरीर इसके लिए किराए के समान। अरे इसको एक दिन खाली करना है। क्यों? ये आत्मा है ना प्यारे, ये तो भ्रमण करती रहती है। इस शरीर को त्याग दिया, दूसरे शरीर में पहुंच गई, दूसरे में त्याग दिया, तीसरे में पहुंच गई। अच्छा कर्म करोगे तो मानुष की योनि मिलेगी, गलत कर्म करोगे प्यारे 84 लाख योनियां इंतजार कर रही हैं। और मोक्ष को प्राप्त कर लोगे तो आप किसी के गर्भ में नहीं जाओगे। इसलिए भैया, और जब रावण जैसा विद्वान, बलवान, धनवान ना था, ना है, और अब क्या होगा। लेकिन आप देखिएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्यारे, जब आदमी का विनाश होता है ना, कितना भी विद्वान समझदार व्यक्ति सही, विनाश होने से पहले ईश्वर उसकी बुद्धि खराब कर देता है। जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसे अच्छी सीख सुहाती नहीं है भैया। जब बजा मौत का सर पे डंका, पल में फूंक गई सोने की लंका, कर गई मौत रावण का फंका, कर गई मौत रावण का फंका। वैसे ही तुझको भी चलना पड़ेगा। होता
सवेरा सवेरा के बाद रात, ऐसे ही उम्र घटती जा रही है प्यारे। कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परले होएगी प्यारे बहुर करेगो कब। देखिए शुभ कर्म जितनी जल्दी कर सको कर देना चाहिए, याद रखना भक्तों, शुभ कर्म जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए और गलत कर्म जितना टाल सको टालो, क्योंकि प्यारे गलत काम टलना ही अच्छा है। इसलिए भैया रात के बाद होगा शरीर दिया है भजन करने के लिए दिया है। क्यों भगवान का भजन आप सुन सकते हो, जा सकते हो, गा सकते हो, सिर्फ मनुष्य योनि में, कोई पशु नहीं कर सकता। ए भैया अरे ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल भर हाथी मलना बनेगा, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथी मलना बनेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए भक्तों इधर देखिए।